अखिलेश यादव ने विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय को नेता विरोधी दल का नेता बना करके एक तीर से दो निशाने साधे हैं। माता प्रसाद पांडेय नेता प्रतिपक्ष बन गए, एक तरीके से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा वर्ग चुनाव में भी और इस वक्त एक नाराजगी देखने को मिल रही है ब्राह्मणों की, उसको भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि माता प्रसाद पांडेय समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, गद्दावर नेता हैं और 7 बार से विधायक हैं। बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पे माता प्रसाद पांडेय जाने जाते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा, ब्रजभूषण तिवारी और उसी लाइन के माता प्रसाद पांडेय भी हैं, यानी मुलायम सिंह यादव की करीबी, अखिलेश यादव की करीबी और एक बड़ा ब्राह्मण फेस, तो उससे अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से चित करने की कोशिश की है, जो लगातार एक बवाल उठ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जौनपुर की बदलापुर विधानसभा से रमेश मिश्रा जो विधायक हैं, उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया था। इससे पहले लखनऊ में अभी करीब एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर के सारे ब्राह्मण संगठन लामबंद हैं। आज ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी धरने पे बैठे हुए थे। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा डेलीगेशन परिवार से मुलाकात करने भी गया, जिसमें बलिया के सांसद सनातन पांडे, लखनऊ से जो विधायक रह चुके हैं और प्रत्याशी भी सरोजनी नगर से थे, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, पूजा शुक्ला सहित कई ऐसे नाम हैं जो पीड़ित परिवार से जाकर के मुलाकात की। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस बैठक में माता प्रसाद पांडेय को बनाने के पीछे एक और मकसद था कि पार्टी में एक तरीके से जो बगावत के सुर उठते, उसको अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडेय को बना करके दबा दिया है। क्योंकि माता प्रसाद पांडेय काफ़ी सीनियर नेता हैं और इनके पार्टी में विरोध नहीं होगा, एक सर्वमान्य नेता हैं, पुराने नेता हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इनको विधायी कार्यों का, यानी संसदीय प्रणाली या विधानसभा प्रणाली का ज्ञान है, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और कई बार के विधायक हैं, कई सारी समितियों में भी वो सभापति भी रह चुके हैं, सदस्य भी रह चुके हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं। तो एक तरीके से सदन में कभी ऐसी असहज स्थिति या जानकारी का अभाव कभी कभी होता है, तो चीज़ें आ जाती है। तो वो माता प्रसाद पांडेय इससे बेहतर समाजवादी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था। और इसमें एक अखिलेश यादव ने बड़ी बात और की है, क्योंकि नाम चल रहा था चाचा शिवपाल का, यानी अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव को बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी के कई सारे विधायक शिवपाल सिंह यादव के पक्ष में, आधे से ज़्यादा विधायक हम कह सकते हैं, लगभग में सारे विधायक शिवपाल के साथ नजर आ रहे थे, लेकिन परिवारवाद से बचते हुए शिवपाल सिंह यादव को बनाना नहीं चाहते थे। तो ऐसे में चूंकि अगर इंद्रजीत सरोज को बनाते, वो बाहरी पार्टी से आए थे, रामचंद्र राजभर को बनाते, दूसरी पार्टी से आए थे, तूफानी सरोज को बनाते, दूसरी पार्टी से आते, और एक तरीके से बगावत हो जाता कि बाहरियों को अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा मौका दे रहे हैं, क्योंकि इंद्रजीत सरोज तो अपना विधायक हैं ही, उनका बेटा भी इस बार सांसद कौशाम्बी से बना है, उनको बना देते तो ये होता सारा पद एक ही परिवार में जा रहा है। तूफानी सरोज के पास उतना अनुभव नहीं है और वो भी बसपा से आए हैं। रामचंद्र राजभर की जो चर्चा चल रही थी, वो भी वही स्थिति है, दूसरे दल से आए हैं, यानी बसपा से ही आया है। तो दूसरे दल को शिवपाल को दरकिनार करके अगर बेटे दिया जाता, बनाया जाता, तो पार्टी में एक बड़ा गुट जो शिवपाल का समर्थक है, वो आवाज़ समय समय पे इस तरीके की चीज़ें आपको सुननी मिलती, आवाज़ उठाती शिवपाल के पक्ष में। तो उससे अखिलेश यादव ने एक बड़ा मैसेज दिया है, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने बैकफुट पे ला दिया है। दूसरा, अखिलेश ने पार्टी में बगावत जो होती उसको रोकने की कोशिश की और चाचा का सम्मान भी ख्याल रखा, यानी शिवपाल सिंह यादव के सम्मान का भी ख्याल रखा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव के बेहद करीबी माता प्रसाद पांडेय हैं, उनके साथ मंत्री भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं। तो जब वो मंत्री थे, एक बार मंत्री, एक बार जब शिवपाल मंत्री थे तो वो स्पीकर थे, और बहुत अच्छे संबंध है, क्योंकि माता प्रसाद पांडेय नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे, और यही कारण है कि शिवपाल सिंह यादव के भी बेहद करीबी हैं। तो शिवपाल उस तरीके का कोई जूनियर बना दिया जाता या कोई दूसरा बना दिया जाता जिससे शिवपाल सिंह यादव असहज महसूस करते, अखिलेश के जो चाचा हैं, तो अखिलेश ने यहाँ पे माता प्रसाद पांडेय को बना करके उनके सम्मान का ख्याल रखा, क्योंकि बहुत मानते हैं शिवपाल सिंह यादव। और दूसरा, पार्टी में उस तरीके का विरोध, यानी अगर माता प्रसाद पांडेय को बनाया है तो कोई आवाज़ उनके खिलाफ नहीं उठाएगा कि आपने किसको बना दिया, कैसे बना दिया, अनुभव नहीं है या दूसरे दल से आए हैं या जूनियर नेता है, वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो विधायक 7 बार के हैं,
दो बार मंत्री हैं, दो बार स्पीकर है, कई बार समितियों के सभापति सदस्य अलग अलग समितियों में रह चुके हैं, तो उनको विधायी कार्यों का बहुत अच्छी जानकारी है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिनको विपक्ष पे लगातार अटैकिंग मूड पे रहते हैं, तो जो जानकार होगा और बेहद सुलझा होगा वो उस व्यक्ति को अखिलेश यादव ने बनाया है, वो है माता प्रसाद पांडे। तो अखिलेश ने एक बड़ा अच्छा चयन किया, जो कई दिनों से जो कयासों का दौर चल रहा था, जो चीज़ें निकल के आ रही थी कि इंद्रजीत सरोज, तूफानी सरोज, कभी कमाल अख्तर, कभी किसी और नेता का नाम जो निकल करके आ रहा था, या शिवपाल सिंह यादव को, उन चीज़ों पे विराम लगाते हुए पार्टी के वरिष्ठतम नेता पे दांव खेला है। और यही कारण है कि कोई उनका विरोध नहीं कर पाएगा, कोई ये नहीं कहेगा जूनियर है, या जैसा मैंने पहले कहा कि दूसरे पार्टी का। तो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो अखिलेश ने को अपने करीबियों के साथ बैठक करके पूरी तरीके से उसको सुलटा दिया। और जब ये निर्णय लिया तो अखिलेश ने शिवपाल से बातचीत भी की, शिवपाल ने भी हामी भरी माता प्रसाद पांडे के नाम को लेकर के। तो यानी अखिलेश ने एक अच्छा पार्टी हित में, और जो पार्टी के कई सारे जो पुराने नेता थे वो इस फैसले से बहुत खुश है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात जो है 2017 और 22 के बीच में जो नेता विरोधी दल थे, राम गोविंद चौधरी से बात हुई, अखिलेश के भी बेहद करीबी हैं, वो भी कई बार के विधायक थे, हालांकि इस बार चुनाव हार गए, करीब 8-9 बार के विधायक थे, बलिया के बासडी से चंद्रशेखर जी के साथ काम किए, मुलायम सिंह यादव के साथ काम किए, बेहद करीबी थे, फिर अखिलेश के बेहद करीबी थे। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव बहुत अच्छा चयन किया, इससे अच्छा कोई चयन हो ही नहीं सकता। मुझसे जब अखिलेश यादव ने पूछा था तब भी मैंने माता प्रसाद पांडे के नाम का सुझाव दिया था, और अखिलेश का बहुत अच्छा निर्णय है, इससे अच्छा पार्टी में कोई निर्णय या किसी और के नाम का होते तो शायद नहीं होता, क्योंकि माता प्रसाद पांडे के पास जानकारी है, वो जानकार हैं, पुराने नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, और ऐसे में अखिलेश ने बहुत अच्छा चयन किया है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।